बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सकीनास क्रिएटिव्स कुकिंग कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखा रहे बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रमजान स्पेशल कटलेट। सिर्फ खीमा से बनती है ये, और जो मसाले डाले वो सब हम आपको दिखाए। ऐसे ही आप बनाओगे, लेकिन पूरा वीडियो देखोगे तभी आपकी इतनी मज़ेदार बनेगी। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे कीमा कटलेट। इसके लिए हमने लिया है एक चम्मच गार्लिक, एक चम्मच अदरक, ये विनीगर, एक चुटकी चिली फ्लेक्स, एक चम्मच डालेंगे हम हरा मिर्चा पेस्ट। मिला के अब एक घंटा छोड़ देंगे। ये हमारा सब कुछ तैयार, ये हमारा खीमा भी तैयार है। इसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे मक्खन, दो चम्मच जितना, ताकि अंदर से एकदम हमारा कटलेट सॉफ्ट होगा। अगर आप बटर नहीं डालोगे ना तो अंदर सॉफ्टनेस नहीं आएगी। और इसके अंदर आपको ब्रेड भी इतना नहीं डालना है, थोड़ा अलग तरीके से हम बना रहे हैं आज। खीमा का ही बनाएंगे, नो ब्रेड ज़्यादा। बस चाहिए तो आप इसमें से ही लेके ब्रेड का थोड़ा सा, क्योंकि हमको खीमा कटलेस बनानी है, ब्रेड कटलेस नहीं। ये हमारा मसाला तैयार, रमजान स्पेशल कटलेट। अब इसमें हम अंडा फोड़ लेते हैं। पहले हम एक अंडा ले रहे हैं, अंडा को हम थोड़ा फेंट लेंगे। ये हमारा कटलेस एकदम, आप इफ्तार करने बैठोगे तो 10 मिनट पहले आपके पास रेडी रहेगा। इसको आप स्टोर करके बना के रख दो। तो इसका बनाएंगे कैसे हम, इसको पहले हम कैसे इसका गोला बनाएंगे ऐसे। अब इसको गोला को हम ये मैदा के अंदर लपेट लेंगे। अब इसका हम शेप देना जो चाहे वैसा ही शेप आप दे सकते हो, चाहो तो चीज भी आप दे सकते हो। इसे हमने पूरा लपेट लिया है मैदा में। अब हमने सेब भी दे दिया है इसका। अब हम क्या करेंगे, अंडा में उसको दबो देंगे। अंडा में दबोने के बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। ये ब्रेड क्रम्स हमने वाइट लिया है, देखिए ये हमारा तैयार हो गया है। इसको हम प्लेट में रख ले रहे हैं। इसे हम सेकंड को भी बना लिया है। अभी हम क्या करेंगे, इसको भी हम इसमें लपेट लेंगे अच्छे से मैदा में। हमने मैदा का कोटिंग कर लिया है। ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी, और आप इसको स्टोर कर लो तो एक महीना भर स्टोर कर सकते हो फ्रीजर में। हमारा सेकंड वाला भी तैयार हो चुका है, इसे हम सब बना लेते हैं। ये हमने कटलेट बनाई थी वो एकदम बन के रेडी हो गई है। अब हम गैस को स्टार्ट करेंगे और फ्राई करेंगे। आप ऐसे रमजान में फ्राई करके भी स्टोर कर सकते हो, और बिना फ्राई का भी ऐसे ही अंडा में डबोया हुआ एक डिब्बा में रख के स्टोर कर सकते हो, कि आपका इफ्तार होने से 10 मिनट पहले आप फ्राई करके उसको ले सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं कैसा बना है। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनता है, जूसी भी इतना रहता है अंदर से। तो फ्राई करते हैं उसको, लेकिन आप बनाओगे तभी जानोगे कि क्या मस्त बनता है। मेरी हर रेसिपी नंबर वन रहेगी आपको, आप बना के देखोगे ना 100% अच्छी ही बनेगी, और आपको स्वाद भी पसंद आएगा। तो चलिए हम फ्राई करते हैं। रमज़ान स्पेशल है वो तो आपको मालूम ही है, अभी रमज़ान आ रहा है, रोज़ा इफ्तार के टाइम में रोज़ कुछ ना कुछ हमको चाहिए। तो हम ऐसी रेसिपी आपको देते रहते हैं, और आगे भी हमारी बहुत सारी ऐसी रेसिपी है कि आप रमज़ान में बना सकते हो। तो आप मेरे फ़ोटो पे क्लिक कीजिए, मेरी हर रेसिपी खुल जाएगी। यहाँ पे हमने तेल चढ़ा दिया है, अभी हम फ्राई करेंगे। तेल को हम चेक कर लेंगे, अभी गर्म नहीं हुआ है हमारा तेल, थोड़ा थोड़ा ही देखो आ रहा है बबूला। बस
बस ये मीडियम आंच करके ही हमको फ्राई कर दिए हैं, क्योंकि जल्दी से फ्राई ना हो जाए इसलिए हमको तेल को भी ज़्यादा नहीं करना है। अभी हम फ्राई करने छोड़ देते हैं। इसे आप धीम आंच में अभी फ्राई करनी है हमको। आंच को ज़्यादा फुल रखेंगे तो हमारा ब्रेड है वो जल्दी से लाल हो जाएगा, इसलिए आंच को हम मीडियम ही रखते हैं। इस तरह से हम पलट लेंगे। ये बहुत ही मस्त बनती है। इसे कुछ नहीं डालना होता है अंदर में, आपको ब्रेड के ओनली खीमा से ज़्यादा अच्छी बनती है ये। ब्रेड बीच में डालने से तो फिर ब्रेड कटलेस भी साथ में हो गई, लेकिन ये कटलेस आपको नंबर वन लगेगी खाने में, और मुँह में एकदम मज़ा आएगा, खा खा खीमा आएगा, तो उसका स्वाद भी बहुत बढ़िया रहता है। अभी एक बार हम पलट लेते हैं उसको। ये हमारा फ्राई हो चुका है। अभी बहुत ही टेस्टफुल बना है, देखें एकदम। ये हमारी कटलेस बहुत ही टेस्टी और मजेदार बनी हुई है, और आज हमने बनाई है। अभी बहुत ही, आप बनाओगे रमजान में तो आपका दिल खुश हो जाएगा, ऐसी बनती है। तो आप इस तरह बनाओगे। और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।